नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। 150 गांव 150 खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर, झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीपलिया चौराहे पर यह कार्रवाई की। बड़बड़ के रहने वाले महेंद्र कुमार से देशी कट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी हत्या और मादक पदार्थ की तस्करी के मामले दर्ज हैं। झालावाड़ जिले के भालता में युवक की लाठी और पत्थरों से मारपीट की गई। धोबी मोहल्ले में पिता पुत्र ने युवक से मारपीट की। मारपीट के बाद युवक के परिजनों से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ जिले के पिडावा में स्वच्छता को लेकर जलदाय विभाग ने सभी पानी के टंकियों में सफाई की है। जी राजस्थान न्यूज ने टंकियों की सफाई को लेकर सवाल उठाए थे। क्षेत्र में हो रहे संक्रमण को लेकर विभाग ने बारीकी से जायजा लिया और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके बाद उपखंड अधिकारी ने ग्राम पंचायत शेरपुर के गांव गुराड़िया और ग्राम पंचायत मुख्यालय धरूनिया और गांव सरूनिया की टंकियों में सफाई का जायजा लिया। झालावाड़ जिले के चौमहला ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही है। यहां चारों ओर गंदगी और कीचड़ से परेशानी है। यहां पर दुकानों और घरों के आसपास गंदे पानी समेत पॉलिथीन और कचरे का अंबार लगा है। पॉलिथीन पर प्रतिबंध के बावजूद उपयोग हो रहा है। झालावाड़ जिले के गंगधार में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बैठक हुई। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम को लेकर बैठक में चर्चा हुई। समारोह की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर गंगधार उपखंड अधिकारी तहसीलदार व्यापार संघ और प्रतिनिधि सरपंच मौजूद रहे। झालावाड़ जिले की डक पंचायत समिति में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का रथ रवाना किया गया। रथ को पंचायत समिति परिसर से विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायत में जल संग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग के नेतृत्व में करीब 29 गांवों में जल स्वावलंबन रथ पहुंचेगा और जल संरक्षण का संदेश देगा। झालावाड़ जिले के डग में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक के संघ ने जुलूस निकाला। जैन मुनियों के मंगल प्रवेश पर यह जुलूस निकाला गया। कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकले जुलूस का जगह जगह समाज के लोगों ने स्वागत किया। जुलूस में समाज की बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। झालावाड़ जिले के मगीसपुर ग्राम पंचायत के कुंडला प्रताप गांव में पानी इकट्ठा होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण यहां आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं बीमारी फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को कई बार जानकारी दी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। झालावाड़ जिले के पटासली गांव में श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन हो रहा है। कथावाचक सुरेश बिहारी नागर श्रद्धालुओं को प्रवचन दे रहे हैं। बूंदी जिले के ग्राम पंचायत रामगंज बालाजी नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। यहां बाइक फिसलने से बाइक सवार की मौत हुई। तालेड़ा का रहने वाला मृतक बाइक फिसलने से गिर गया। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत डाबी में नर्सिंग होम की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हुई। समय पर सही उपचार नहीं करने से उसकी कोटा में इलाज के दौरान मौत हुई। इसमें ग्रामीणों ने नर्सिंग होम के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया कि नर्सिंग होम में मरीज की देखभाल नहीं की गई। स्थिति बिगड़ने के बाद भी कोटा रेफर कर दिया गया। इस घटना से कस्बे में भारी रोष। ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। बूंदी जिले के सीतापुरा गांव में अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति का वार्षिक अधिवेशन रखा गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने समिति से लाभ लेने के उपायों पर चर्चा हुई। साथ ही लघु उद्योगों को लगाने के उपायों पर भी जानकारी दी गई। इस दौरान महिला और बाल विकास अधिकारी, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य इस अधिवेशन में मौजूद रहे। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा समिति में जुड़कर फायदा उठाने पर चर्चा की गई। समिति के नियम और ऋण लेने से लेकर ऋण चुकाने की बात पर विस्तार से चर्चा हुई। बूंदी जिले के बलकासा ग्राम पंचायत के गांव में कुछ लोगों ने सीसी सड़क पर अतिक्रमण कर लिया। लोगों ने चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन ग्राम पंचायत का इस और कोई ध्यान नहीं। ग्रामीणों ने सीसी सड़क पर अतिक्रमण को लेकर सरपंच और सचिव को भी बताया। शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बूंदी जिले के ग्राम पंचायत हिंडोली में दो बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। हिंडौली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
कोटा जिले के सुल्तानपुर में मासूमों का जीवन भिक्षावृत्ति में गुजर रहा है। यहाँ बच्चे पढ़ाई की जगह भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। जिन मासूमों के हाथ में किताब होनी चाहिए, वहीं यहाँ मासूम बहरूपिये बनकर भीख मांगते नजर आते हैं, जो कि सरकारी शिक्षा प्रसार के दावों की पोल खोल रहा है। सड़कों और चौराहों पर भीख मांग रहे बच्चों को आते जाते अधिकारी भी देखते हैं, लेकिन बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी देने की जहमत कोई नहीं उठाता। कोटा जिले के डूंगरजिया गांव में कोटा विश्वविद्यालय के छात्रों ने श्रमदान किया। छात्रों ने कमल सरोवर हनुमान वाटिका में श्रमदान किया। यहां 3 घंटे तक छात्रों ने श्रमदान कर हनुमान वाटिका की सफाई की। इसके बाद छात्रों ने अखंड रामायण पाठ में भाग लिया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सरपंच हनुमान वाटिका में मौजूद रहे। इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रोफेसर और छात्रों का ग्रामीणों ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। कोटा जिले के सुल्तानपुर पंचायत समिति में सरपंच संघ की कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें सरपंच संघ अध्यक्ष मंडावरा, सरपंच बजरंगलाल नागर को बनाया गया। उपाध्यक्ष पद पर बमोरी सरपंच गायत्री मीना, कोषाध्यक्ष पद पर मोरपा सरपंच कृष्णा गुप्ता को बनाया गया। कार्यकारिणी को सभी सरपंचों ने माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं सरपंच संघ अध्यक्ष ने सरपंचों की मांग को जोर से उठाने का भरोसा दिलाया। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में इन दिनों अचानक तापमान में बढ़ोतरी से किसान परेशान है। तापमान बढ़ने से धनिया और मेथी की फसल रोग की चपेट में आ गई है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए महंगी दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि धनिया की फसल में रोग लग रहा है और तेजी से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मेथी की फसल में चेपा रोग से नुकसान हो रहा है। कोटा जिले के ककराबदा रूटगंज सड़क मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। टूटी सड़कों पर पानी के गड्ढों से सड़क से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इधर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार जानकारी दी, लेकिन उसके बाद भी आज तक सड़क की मरम्मत को लेकर कोई काम नहीं किया गया। इससे लोगों में भारी रोष है। बाड़मेर जिले के बिजरार थाना क्षेत्र के देदूसर गांव में सड़क हादसा हुआ। यहां टेम्पो की टक्कर से एक बालक घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद चौहटी में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर जिले के मेहलू 33 केवी जीएसएस में लोड को लेकर फॉल्ट हो रहे हैं। सनावड़ा जीएसएस से जुड़े 10 गांवों के हजारों किसानों को बिजली सप्लाई नहीं होती। 2 दिन से किसानों को बिजली नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है। विभाग के उच्च अधिकारियों ने बात की, लेकिन इस बारे में जानकारी नहीं होने की बात कह दी। सनावड़ा से जुड़े सभी 6 फीडर्स को 3 फेज सप्लाई बंद है, जबकि रबी की बुआई कर चुके हजारों किसानों के लिए अब संकट पैदा हो गया है। बाड़मेर जिले के बालोतरा के नयापुरा में अस्पताल की मरम्मत के दौरान छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। खियानी अस्पताल की बालकनी में और मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक जर्जर बालकनी भरभराकर गिर पड़ी, जिससे 2 मजदूर घायल हो गए। बारा जिले के समरानिया में 4 घर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। यहां आसपास दर्जनों बीघा जमीन पर लोगों का अतिक्रमण है। 4 घर की जमीन पर अतिक्रमण करने से पशुपालकों को परेशानी हो रही है। पशुओं को भी चारा नहीं मिल पा रहा। अतिक्रमणकारियों के प्रभावशाली होने के कारण पंचायत प्रशासन भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे। बारा जिले के गोर्डिया मेहर गांव में अध्यापक की मारपीट से छात्र नाराज हैं। छात्रों ने बापचा रोड पर जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने अध्यापक को हटाने की मांग की। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों ने जाम हटाया। बारा जिले के अटरू रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई। कोयले से भरे डिब्बे में आग से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर प्रशासन ने अडानी से दमकलों को बुलाया। रेलवे अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बारा जिले के मायथा गांव के पास परवन नदी में बेखौफ अवैध खनन हो रहा है, लेकिन खनन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने कई बार खनन विभाग से शिकायत की और अवैध खनन पर रोक लगाने की भी मांग की। अवैध खनन की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने खनन विभाग से मिली भगत का आरोप लगाया है। बारा जिले के मोठपुर ग्राम पंचायत में चारों ओर गंदगी का आलम है। गंदगी और कीचड़ से यहां लोग परेशान हो रहे हैं। आम रास्तों पर कीचड़ से निजात दिलाने को लेकर ग्रामीणों ने कई बार मांग की, लेकिन पंचायत ने सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की। गंदगी और कीचड़ से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, साथ ही स्थानीय लोगों को बीमारियां फैलने का भी डर सता रहा है। जयपुर जिले के रेनवाल में कृषि मंडी में राजीव गांधी कृषक साथी योजना की बैठक हुई। मंडी अध्यक्ष ने बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में कृषि कार्य के दौरान मृत्यु और घायल होने के आवेदन पत्रावलियों की समीक्षा की गई। बैठक में तहसीलदार और सचिव मौजूद रहे। बैठक में कृषक कार्य के दौरान मृत्यु होने के 5 आवेदन और घायलों के 7 आवेदन स्वीकृत किए गए। जयपुर जिले के रेलवाल में क्षेत्र में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग साल 2016 के सबसे पहले पर्व पर खुशियां बांट रहे हैं। मकर संक्रांति पर लोगों ने तिल गुड़ से खाने की चीजें बनाई, साथ ही रेवड़ी, गजक और मूंगफली की खुशबू भी बाजार में महक रही है। पर्व को लेकर कस्बे में पतंगों की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है, साथ ही लोग दान पुण्य को लेकर भी तैयारी कर चुके हैं। जयपुर जिले के खोकावाला में लोग पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। छतों पर लोग तेज म्यूजिक के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर पक्षियों का जीना दूभर हो रहा है। मांझे के कारण सैकड़ों पक्षी शिकार होते हैं, ऐसे में खोकावाला के युवकों ने पक्षियों को बचाने के लिए भी मुहिम छेड़ी है। स्थानीय लोग घायल पक्षियों का इलाज कर उनका जीवन बचा रहे हैं, साथ ही चाइनीज मांझे से पतंग नहीं उड़ाने की भी लोगों से अपील कर रहे हैं। जयपुर जिले के विराटनगर में पल्स पोलियो जन जागरूक अभियान रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई इंदिरा हॉस्पिटल पहुंची। रोटरी क्लब और दीन निरंकारी स्कूल के तत्वाधान में रैली का आयोजन हुआ। रैली में देश विदेश में जन सरोकार के कार्य कर पोलियो को खत्म करने का आह्वान किया गया। जयपुर जिले के बोबाड़ी में गंदगी का आलम है। स्वच्छ भारत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन गांव की सरकार सफाई को लेकर अनदेखी कर रही है। बोबाड़ी गांव में पानी निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था नहीं है, यहां आम रास्ते गंदगी से भरे पड़े हैं। कुछ जगह नालियां बनी हैं, लेकिन कचरा भरा होने के कारण बंद पड़ी हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत में गौ रक्षकों ने पहल की है। यहां गौ रक्षा के नाम पर दान लिया गया है। इलाके के लोगों ने खासा उत्साह दिखाया और दान लेकर गौ रक्षा का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ जिले के रणथाजुना में आंगनबाड़ी केंद्र की बाउंड्री टूटी हुई है, जिसके कारण लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण होने के बाद भी सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं की, अतिक्रमण बढ़ने से कैंपस की हालत खराब हो गई है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। पंचायत कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरपंच, एसडीएम, प्रधान समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के समारोह को सफलतापूर्वक मनाने के लिए नीति तैयार की गई। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत पंचायत में सफाई की गई। यहां सफाई अभियान चलाकर पंचायत क्षेत्र में सफाई हुई। सफाई अभियान के तहत शहर के कई मार्गों से कचरा हटाया गया। कचरा हटाने के बाद कई मार्ग साफ सुथरे नजर आए। प्रतापगढ़ जिले के हथूरिया थाना पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से आधा किलो अफीम भी बरामद हुई। आरोपी मंदसौर का रहने वाला था और राजस्थान में अफीम बेचने आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। नागौर जिले के ग्राम पंचायत चंदावता में कंबल वितरण किया गया। अटल सेवा केंद्र पर समारोह आयोजित कर कंबल बांटे गए। क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवार को कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर सरपंच और समाज के भामाशाह मौजूद रहे। नागौर जिले के मुंडवा में पतंगबाजी के दौरान मोर की मौत हो गई। मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे के प्रयोग को लोग पतंगबाजी कर रहे थे, अचानक राष्ट्रीय पक्षी और के चपेट में आने से मोर की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर जिले के नुनेहरा गांव का एसडीएम और तहसीलदार ने दौरा किया। स्कूली छात्र छात्राओं की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जल स्वावलंबन अभियान की जागरूकता रैली के माध्यम से गांव-गांव में बारिश के पानी को संग्रहण करने का आह्वान किया गया। एनीकट और तालाबों में पानी को एकत्रित करने का आह्वान किया, जिससे आगे आने वाले समय में भूजल स्तर की गिरावट को रोका जा सके। धौलपुर जिले के सैपोई थाना इलाके के भरतपुर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। यहां 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं दोनों की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। इलाज के दौरान धौलपुर अस्पताल में एक ने दम तोड़ दिया। धौलपुर जिले के सैपोई ग्राम पंचायत के सीएचसी में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बैठक हुई। इसमें एसडीएम ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सीएचसी में धर्मशाला नहीं होने से परेशानी को लेकर बैठक में सरपंच ने मरीजों के परिजनों के लिए सरकार से धर्मशाला निर्माण कराने की मांग की। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जानकारी कर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। बैठक में मोर्चे की बाउंड्री को ऊंचा कराने की मांग की गई। धौलपुर पंचायत समिति के राजकीय माध्यमिक स्कूल में एसयूपीडब्ल्यू का कैंप लगा था। कायस्थपाड़ा परिसर में कैंप का समापन हुआ।
इस मौके पर प्रधानाचार्य ने बच्चों के बनाए हुए प्रोजेक्ट रंगोली और अनुपयोगी वस्तुओं से बनाई गई चीजों का अवलोकन किया और बच्चों में प्रतिभा की सराहना की। नगर पालिका में कई बार लोगों में शिकायत दर्ज कराकर मामले के समाधान की मांग की, लेकिन लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी कोई ध्यान नहीं निकाल पा रहे। सड़कों पर पानी जमा होने से कॉलोनी के हालात और भी खराब हो रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। करौली जिले के नादौती में स्टे के बाद भी मंदिर की भूमि पर चल रहा निर्माण अभी तक भी चल रहा है, नायब तहसीलदार ने काम रुकवाया है। करौली जिले के टोडा भीम क्षेत्र के मडेरू गांव में 2 दिवसीय पद दंगल का समापन हुआ। दंगल में कई पार्टियों ने पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की। करौली जिले के नादौती पंचायत समिति पर सीएचसी का एसडीएम ने निरीक्षण किया। एसडीएम ने चिकित्सा प्रभारी को फटकार लगाई और जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम ने अस्पताल के वार्डों और परिसर में पड़ी गंदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। करौली जिला मुख्यालय से लगते ग्रामीण क्षेत्र में दिनों भू माफिया काफी सक्रिय है, जिसके कारण भद्रवती नदी से लगती सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। शिकायत मिलने पर उपखंड अधिकारी ने कार्रवाई की और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए। पटवारी, गिरदावर और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में नाप कराकर प्लांटिंग के काम को रुकवाया गया। करौली जिले के मासलपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। कई जगह बिजली की तार पेड़ों को छूकर निकल रहे हैं, जहां पर बार बार फॉल्ट होने से बिजली गुल भी हो जाती है। तो कई जगह बिजली की तार दुकानों के आगे लगे टीन शेड को छूकर निकलते हैं, इसके चलते दुकानदारों ने जुगाड़ से तारों को ऊंचा कर रखा है। अजमेर में पिसांगन उपखंड के बुधवाड़ा में कोश बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। गांव के सभी समुदाय के लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति को याद किया। अजमेर जिले के पेसांगन उपखंड के बुधवाड़ा में नालियों में सफाई नहीं हो रही, जिससे सड़कों पर गंदा पानी बहता है। रास्तों में गंदे पानी से लोगों को परेशानी हो रही है, बदबू और गंदगी से लोगों को बीमारियां होने का डर बना हुआ है। इस समस्या को लेकर लोगों ने समाधान के लिए कई बार स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन आज तक भी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में गणतंत्र दिवस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में भारत विकास परिषद ने जरूरतमंदों को 19 स्वेटर का वितरण किया। खारी का लांबा, गागेड़ा, तस्वारिया और उनखालिया के गरीबों को स्वेटर बांटे गए। उनखालिया में एसडीएम कार्यक्रम में मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र के पीपला गांव में एसपी ने दौरा किया। एसपी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और गांव से दूर जंगल में 2 किलोमीटर पैदल जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। घटना के 1 साल बाद भी पुलिस कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा पाई, पुलिस ने जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की। भीलवाड़ा जिले के मानलगढ़ के सड़कों पर ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं, पत्थरों से भरे ओवरलोड वाहन को रोकने वाला कोई नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़क पर पत्थर गिर जाने से आए दिन हादसे भी होते हैं। भीलवाड़ा जिले के चापरा पंचायत समिति के क्षेत्र लुलास ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाया गया। यहां 82 बीघा के चरागाह जमीन पर 28 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। यह कार्रवाई अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस देकर की गई। टोंक जिले के बिलासपुर ग्राम पंचायत में 36 घंटे के बाद शव को निकाला गया। बीसलपुर बांध की दाई नहर से बालिका के शव को निकाला गया। यहां खेत में सिंचाई करते समय बालिका बह गई थी, शव 36 घंटे बाद आखिरकार ग्रामीणों ने खोज निकाला। ग्रामीणों और परिजनों ने अपने स्तर पर बालिका के शव को निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन ने 12 घंटों के बाद हार मान ली। टोंक जिले के तूनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में बीसलपुर बांध की दाई मुख्य नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां युवक युवती के शव मिले, पुलिस ने दोनों के शवों को कड़ी मशक्कत के बाद नहर से निकाला। टोंक जिले के बनेठा ग्राम पंचायत का उपस्वास्थ्य केंद्र बदहाल है, यहां स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। गर्भवती महिलाओं को भी टोंक या फिर उमियारा जाना पड़ता है, कई बार गर्भवती महिलाओं की मौत तक हो गई है। टोंक जिले के बनेठा और सुरेली ग्राम पंचायत में सड़कों का हाल बदहाल हो रहा है, इन दोनों पंचायतों को जोड़ने वाला सड़क मार्ग पिछले कई दिनों से बदहाल है। टूटी सड़क और उबड़ खाबड़ रास्तों से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। टोंक जिले की देवली पंचायत समिति पर एकमात्र सरकारी सामुदायिक अस्पताल है और जहां लंबे समय से अव्यवस्थाओं का आलम है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के मरीजों से बदसलूकी से मरीज परेशान है। प्रधान ने कई बार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। टोंक जिले के आवा ग्राम पंचायत में प्रदेश का सुप्रसिद्ध दड़ा महोत्सव खेला गया। क्षेत्र के 12 गांवों के बीच कई साल से खेल खेला जाता है। 70 किलो वजनी फुटबॉल परंपरागत तरीके से खेला जाता है। खेल से भविष्यवाणी भी की जाती है। जोश और उमंग के साथ सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक ये खेल हर साल खेला जाता है।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।